स्टार्ट करते हैं 22 नेशनल सिंबल्स। बच्चों आप और हम लोग जानते हैं कि नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं हमारी वैल्यूज़ को, गोल्स को और हिस्ट्री ऑफ पीपल ऑफ कंट्री, जो हमारी हिस्ट्री हुई थी पीपल्स की उनकी को हमारे को बताते हैं। दे यूनिट द पीपल ऑफ कंट्री। ने हमारे कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं, फ्लैग है, इसको भी हम सब पढ़ते हैं कि नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं हमारे। नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड, ये सब क्या है हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 115। नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट द वैल्यूज, गोल्स एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। दे यूनाइट द पीपल ऑफ अ कंट्री। नेशनल फ्लैग, अवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज द तिरंगा एज इट इज द ट्राईकलर फ्लैग। हम अपने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको हम तिरंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम ट्राई कलर्स भी कहते हैं। तिरंगा हैज़ थ्री हॉरिजेंटल बैंड्स। तिरंगा में क्या है, थ्री हॉरिजेंटल बैंड्स हैं, सेफ्रॉन, वाइट एंड डार्क ग्रीन। सेफ्रॉन सबसे ऊपर है, वाइट मिडिल में है और डार्क ग्रीन बॉटम नीचे में है। एट द सेंटर बीच में क्या है, वाइट बैंड है। थ्री देयर आर अ व्हील इन नेवी ब्लू विद 24 स्पोक्स। इट इज़ टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल इन द अशोकन पिलर इन द सारनाथ। नेशनल फ्लैग कहाँ बच्चों होस्ट किया जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में जो सरकारी बिल्डिंगें होती हैं उन पर वो फहराया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड। कलर क्या होता है, अब सेफ्रॉन कलर स्टैंड करेज इन द सेक्रीफाइस। जो सेफ्रॉन कलर है, केसरिया कलर है, वो सेक्रीफाइस को दिखाता है, शो करता है। वाइट कलर सच और प्योरिटी को स्टैंड करता है और ग्रीन कलर स्टैंड करता है फेथ और प्रोग्रेस को। ये तीनों कलर हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हुए, समझाते हुए हमें बताते हैं। रूल्स फॉर होस्टिंग अवर फ्लैग ये बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम नेशनल फ्लैग को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। अवर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हम अपने नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं, तिरंगा। एज इट इज़ अ ट्राई कलर फ्लैग, द तिरंगा हैज़ थ्री हॉरिजेंटल बैंड्स, सेफ्रॉन एट द टॉप, वाइट इन द मिडिल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। एट द सेंटर ऑफ वाइट बैंड देयर इज अ व्हील इन नेवी ब्लू वाइट विद 24 स्पोक्स। 24 तीलियां हैं इसमें। इट इज टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर एट सारनाथ। द नेशनल फ्लैग इज होस्ट ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल्स लाइक रिपब्लिक डे एंड the independence day. Color of our flags, the saffron color stands for courage and sacrifice, the white color stands for truth and purity, the green color stands for faith and progress. Rules for hosting our flag, rules for hosting flags kya hai, our national flag is the pride of our country, we should pay our respect to it. There are certain rules which have to be followed while hosting the national flag. सभी लोग ध्यान से सुनिए कि national flag को host फहराते वक्त कौन कौन से rules होते हैं। Number one, it should be hosted only between sunrise and sunset. सिर्फ sunrise और sunset के समय ही इसको host करना चाहिए, फहराना चाहिए। The saffron side of the flag should always the top. जो केसरिया color है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। We must stand in the attention position during hosting the lovering of the song. During the procession, the national flag should always be carried in the front. A torn flag must never be hosted. The flag should not be used to drape oneself or a piece of garment. It should always be at the top of a mast except during national mooring. तो बच्चों ये था हमारा नेशनल फ्लैग के कुछ रूल्स। आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको ये नेशनल फ्लैग के जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, इनको समझना है और इनके बारे में 3 पॉइंट्स लिखने हैं। राइट एनी 3 रूल्स फॉर होस्टिंग अवर फ्लैग और एक नेशनल फ्लैग भी बनाना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट। तो बच्चों आज हमने अपने क्लास में पढ़ा कि नेशनल फ्लैग को सनराइज या सनसेट के टाइम बीच में ही होस्ट करना है, सेफ्रॉन साइड सबसे ऊपर रखना है, अटेंशन पोजीशन पे खड़ा होना है। ये नहीं कि उस समय हम कोई बातें कर रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसको अटेंशन पोजीशन में ही रहना है। अटर्न फ्लैग नेवर बी होस्टेड, उसको टॉन नहीं करना है, फैलाने वक्त गिराना नहीं है। ये सब हमारे कुछ रूल्स हैं, इनको हमें करना है और इसको सेंड कर, ये वर्क करके हमें सेंड करना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट, इसको करिए और मुझे सेंड करिए।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड बाय।